तो आज बात करने वाले हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जो है PCHA के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो PCHA में इसका जो है रोल कम से कम 15-16 नंबर का रहेगा। 15 नंबर तो मान के चलो। PCHA जो 28 मई का होने वाला है, 12 फरवरी का, 28 मई UPSC का 12 फरवरी को जो होने वाला है, तो उसमें यह रोल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है इसका। तो शुरू करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973। वैसे तो जो है 1976 का जो सेकंड इसका जो है अधिनियम था दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में बन के तैयार हुई थी, जो 74 में लागू हुई थी। तो कह रहा है कि भारत गणतंत्र के 24वें वर्ष में संसद द्वारा पारित अधिनियम है। अध्याय एक में ये कहता है कि संक्षिप्त नाम में इस अधिनियम का नाम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 होगा। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर में होगा, परंतु इस संहिता के 8, 10, 11 से संबंधित उपबंध से भिन्न उपबंध इस प्रकार है, जैसे नागालैंड और जनजातीय क्षेत्र। तो ये बात यहाँ हो रही है कि पूछ लेता है, क्वेश्चन आता है कि कब उसका निर्माण हुआ दंड प्रक्रिया संहिता का। तो कहता है कि 1974 में, ठीक है। तो पहला सेक्शन, जो पहला सेक्शन है, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन 1 कहता है कि इसका संक्षिप्त नाम क्या है। सेक्शन 1 के बारे में कह रहा है संक्षिप्त नाम और विस्तार और प्रारंभ की बात कर रहा है। पहली बात तो ये है कि इसका विस्तार संक्षिप्त नाम का है सेक्शन 1 में, और कुछ बातें और महत्वपूर्ण है, पर ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 1 अप्रैल को, 1974 को जो है ये प्रवृत्त हुई, ठीक है। 1974 में ये बन के तैयार हुई, 73 में तो बन के तैयार हो गई, 1974 में लागू हो गई 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 1974 को ये लागू होगा। सेक्शन 2 है वो महत्वपूर्ण है। सेक्शन दो जो है वो रिलेटेड है परिभाषाओं से सेक्शन 2 रिलेटेड है CRPC का। कोई भी एक्ट होता है मोस्टली दूसरा सेक्शन होता है, सेक्शन 2 ही महत्वपूर्ण होता है, बाकी भी महत्वपूर्ण होते हैं, पर परिभाषाओं के बारे में जानकारी देनी है तो सेक्शन 2 में परिभाषाओं के बारे में जानकारी होती है। तो यहाँ सेक्शन 2 में परिभाषाओं के बारे में जानकारी है। जैसे ये कहता है कि ये बात हो रही है कि जमानती अपराध क्या है, कि तो 2 काम है जमानती अपराध सेक्शन 2 का, ठीक है। जमानती अपराध क्या है, ऐसा अपराध है आप प्रेरित है जो प्रथम अनुसूची में जमानती रूप में दिखाया गया है या तत्समय किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बनाया गया है, और जमानती अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेरित है। तो सेक्शन 2 में ये बात कहता है कि जमानती अपराध क्या है। जमानती अपराध सेक्शन 2 का में ऐसा अपराध जो प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है। सेक्शन 2 का में बात हो रही है सेक्शन 2 का की, तो वो बात हो रही है आरोप की। आरोप कहाँ है, जिसको चार्ज बोलते हैं सेक्शन 2 का आरोप। CRPC का सेक्शन 2 का आरोप के विषय में बात करते हैं। आरोप के अंतर्गत जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हों
आरोप के अंतर्गत जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो, तो कहते हैं आरोप का कोई भी शीर्ष हो, जब एक से ज़्यादा शीर्ष हो या कोई भी शीर्ष हो, तो सेक्शन 2 का में उसके आरोप की परिभाषा है। सेक्शन 2 गा की बात कर रहे हैं। सेक्शन 2 गा में संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेरित है जिसके लिए संज्ञेय मामला ऐसा मामला अभिप्रेरित है जिसमें पुलिस अधिकारी अनुसूची के तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। तो कोई पुलिस अधिकारी है, तो वो बिना वारंट के जब गिरफ्तार कर ले तो वो संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध कैसा है? जब पुलिस अधिकारी किसी को बिना वारंट के गिरफ्तार करता है तो वो संज्ञेय अपराध बन जाता है। कह सकते हैं कि जब पुलिस अधिकारी जब किसी को गिरफ्तार करे वो बिना वारंट के, तो समझ लो वो संज्ञेय अपराध है। तो बात हो रही है संज्ञेय अपराध की। तो संज्ञेय अपराध आपका किसमें? सेक्शन 2 गा में संज्ञेय अपराध। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं परिवाद। परिवाद से ऐसी संहिता के अधीन, तो परिवाद 2 गा में, ये हिंदी मीडियम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। UPPCSJA के लिए, जहाँ हिंदी भाषी राज्य है। कितनी भाषाएं हैं वैसे? 22 भाषाएं हैं। ठीक है, अनुसूची कौन सी है संविधान की? अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को है। खैर, ये अलग बात है। तो 2 गा में, सेक्शन 2 गा में परिवाद से संबंधित है। परिवाद क्या होता है? परिवाद जिसको कंप्लेंट बोलते हैं, इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाने की दृष्टि से मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? तो मजिस्ट्रेट कोई कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मजिस्ट्रेट के सामने कोई कार्रवाई की जा रही है तो परिवाद ऐसा मामला जिसमें पुलिस अधिकार मौखिक या लिखित रूप में किया गया है। तो इस परिवाद से संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक लिखित रूप में किया गया अभिकथन अभिप्रेरित है। किसी व्यक्ति ने चाहे वो ज्ञात हो अज्ञात हो अपराध किया है किंतु उसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं है। कोई व्यक्ति है चाहे वो अज्ञात है, उसने अपराध किया है और इसकी सूचना किसको दी गई है? इसकी सूचना भाई, इसकी सूचना कोई अपराध किया जाए किसी व्यक्ति द्वारा और वो व्यक्ति कैसा हो, चाहे ज्ञात हो या अज्ञात हो, और इसकी सूचना किसको दी जाए? इसकी सूचना जो दी जा रही है मजिस्ट्रेट को की जा रही है। तो माना जाएगा यह परिवाद है, और परिवाद के दो रूप होते हैं, लिखित भी हो सकता है, लिखित परिवाद हो सकता है, मौखिक परिवाद हो सकता है। तो सेक्शन 2 घा ये बात कह रहा है परिवाद के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं, जब परिवाद की बात हो जा रही है, परिवाद के बाद स्पष्टीकरण दे रहा है ये कि क्या स्पष्टीकरण दे रहा है, देखते हैं। ऐसे किसी मामले में जो अन्वेषण के पश्चात किसी असंज्ञेय अपराध किया जाना प्रकट है,
पुलिस द्वारा दी गई रिपोर्ट परिवाद में ही परिवाद समझी जाएगी। वह पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट की गई परिवाद ही माना जाएगा। ऐसे किसी मामले जो अन्वेषण के पश्चात, अन्वेषण के पश्चात भाई साहब, तो अन्वेषण के पश्चात, अन्वेषण के बाद यह बात हो रही है, अन्वेषण के पश्चात किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है, तब क्या होगा, पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट समझी जाएगी, वह पुलिस अधिकारी उसके द्वारा वो परवादी बन गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट परिवाद तक होगी, नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 2 घाकेवाद इंगा। उच्च न्यायालय से क्या प्रेरित है, किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय। नंबर 2 किसी ऐसे संग्रह क्षेत्र के संबंध में जिस पर किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार किया गया है तो उसको उच्च न्यायालय माना जाएगा। किसी संग्रह क्षेत्र के संबंध में भारत के उच्च न्यायालय से भिन्न संग्रह क्षेत्र के लिए दंडिक अपील, तो ये उसका उच्च न्यायालय होगा। दोंगा के बाद 2-4 भारत से संबंधित बात है कि भारत से वे राज्य अभी प्रेरित हैं जिन पर इस संहिता का व्यवहार है। 2-6 में क्या आता है, 2-6 जांच आती है, जांच किसे कहते हैं, वो सीआरपीसी के जो सेक्शन है, सीआरपीसी का 2-6 में उसको जांच बोला गया है, जो मजिस्ट्रेट के अधीन या न्यायालय द्वारा की जाती है, जो मजिस्ट्रेट और न्यायालय के द्वारा की जाती है, मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए, जो विचारण से मजिस्ट्रेट या न्यायालय के किसी या न्यायालय करवाए किसी के द्वारा, ठीक है, उसको जांच बोलते हैं। पूछताछ हो गई, साक्ष्य इकट्ठे हो गए, है ना, वो सारी चीज़ें 2-6 के अंतर्गत है, उसको जांच बोलते हैं। और क्या है, इसे जो विचारण से भिन्न हो, विचारण चल रहा है उसके अतिरिक्त जो है या पहले हो बाद में विचारण के दौरान हो, विचारण से अलग हो, उसको जांच बोलेंगे। सेक्शन 2-6 सीआरपीसी का 2-6 सेक्शन। आगे चलते हैं, 2 आगे हैं, 2 इंगा, 2-2 है, 2-2 सेक्शन जजरी भी इसको है, अन्वेषण से संबंधित है। जांच के तुरंत बाद अन्वेषण रखा गया, अन्वेषण के अंतर्गत वे सब कार्रवाई हैं जो इस संहिता के दिन पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न हो, मजिस्ट्रेट से भिन्न होंगी या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा नियमित प्राधिकृत किया गया है, मजिस्ट्रेट से भिन्न हो या पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट ने कोई व्यक्ति लगाया हो अन्वेषण केस की किसी कार्रवाई करने के लिए, ठीक है, उसको अन्वेषण बोलते हैं। इन्वेस्टिगेशन इंग्लिश में होता है, अन्वेषण 2-6, ठीक है, तो उसको अन्वेषण बोलते हैं। आगे न्यायिक कार्रवाई, न्यायिक कार्रवाई अंतर्गत कोई ऐसी कार्रवाई जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है, 2-6 इसको न्यायिक कार्रवाई बोलेंगे। ऐसी कार्रवाई जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है, साक्ष्य क्या होगा, वैध रूप से शपथ पर लिया जाए, उसको ही क्या बोलेंगे, न्यायिक कार्रवाई बोलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, दोंगा किसी न्यायालय मजिस्ट्रेट के संबंध में स्थानीय अधिकारिता के बारे में कह रहा है, स्थानीय अधिकारिता पूछ लेता है किस सेक्शन में है, तो स्थानीय अधिकारिता जो सेक्शन है वो बनता है 2 का, ठीक है जी, 2 का बनता है न्यायालय, इसमें क्या कह रहा है,
वह स्थानीय क्षेत्र विपरीत है जिसके भीतर ऐसा न्यायालय या मजिस्ट्रेट संहिता के अधीन अपनी सभी अग्नि शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे स्थानीय क्षेत्र में संपूर्ण राज्य या राज्य का कोई भाग समाविष्ट है जिस पर राज्य अधिसूचना निर्दिष्ट करे। आगे चलते हैं डोटा। डोटा में कह रहा है कि महानगर के वे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो इस धारा के अधीन घोषित किए गए हैं। आगे चलते हैं दोगा। दो टा के बाद ठा। संज्ञा असंज्ञा अपराध। दो ठा बहुत बार पूछ लेता है। दो ठा असंज्ञा अपराध क्या होता है? असंज्ञा अपराध वो दो ठा में बताया गया है। ऐसा अपराध जिससे जिसके लिए असंज्ञा मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का प्राधिकार नहीं होता। तो असंज्ञा मामले में क्या होता है कि वारंट के बिना कोई पुलिस अधिकारी गिरफ्तार नहीं कर सकता। उसी को असंज्ञेय अपराध बोलते हैं। ये सेक्शन कौन सा? दो ठा। तो जब कोई पुलिस अधिकारी जिस मामले में गिरफ्तार नहीं कर सकता किसको? किसको गिरफ्तार नहीं कर सकता? किसी भी व्यक्ति को कोई पुलिस अधिकारी गिरफ्तार नहीं कर सकता किसके बिना? वारंट के बिना। तो उसी को असंज्ञेय अपराध कहते हैं। तो उसी को क्या कहा जाता है? असंज्ञेय अपराध कहा जाता है। ये बात हो रही है। आगे अधिसूचना दो डा। आगे दो ढाड़कन अपराध की परिभाषा। क्या अपराध क्या है? से कोई ऐसा कार्य अपराध से कोई ऐसा कार्य लोप अभिप्रेरित है जो तत्समय किसी प्रवर्त विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया है। कार्य या लोप बात हो रही कार्य या लोप। इसके अंतर्गत कोई ऐसा भी कार्य आता है जिसमें पशु अतिचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अंतर्गत प्रवाद किया जा सकता है, वह भी अपराध है। कोई कार्य कर दे ऐसा या लोप कर दे तो वह अपराध है जो उस विधि ने तत्समय किसी विधि ने उसे दंड नहीं बनाया। आगे चलते हैं दो उड़ांगा अड़ाखाली। तो पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी ऐसे चौकी परिभाषा। दो अंगा में दो उड़ांगाली में या टपिकड़ा में पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी के अंतर्गत जब पुलिस से थाने का भार साधक अधिकारी थाने में अनुपस्थित हो तो या बीमार या अन्य कारण से अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ हो तो उसको पुलिस अधिकारी तो थाने में पुलिस उपस्थित ऐसा पुलिस अधिकारी जो ऐसे अधिकारी से पंक्ति में ठीक नीचे कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर जब राज्य से ऐसा निर्देश दे तब इस प्रकार कोई और अधिकारी होगा। उसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट। दो ता। दो ता की बात हो रही है जिसमें स्थान बताया गया है। इसके अंतर्गत क्या क्या है? गृह भवन तंबू यान या जलयान सभी कुछ स्थान के अंतर्गत आ जाता है। दो ता में दो था में प्लीटर के बारे में बोला गया। प्लीटर
लीडर के बयान से न्यायालय से तत्समय प्रवर्त किसी विधि द्वारा उसके अधीन विधि व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है। इसके द्वारा कोई भी अन्य व्यक्ति जो किसी कार्रवाई में करने के लिए न्यायालय की अनुमति करता है। दो दा में चलते हैं नेक्स्ट। दो दा में क्या है, पुलिस रिपोर्ट है। पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 की धारा के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट अभिप्रेत है। जो 173 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को जो रिपोर्ट दी जाती है वही पुलिस रिपोर्ट है। दो धातुनुष पुलिस थाने की बात कर रहा है। पुलिस थाना कह रहा है कि कोई भी चौकी स्थान अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार द्वारा साधारणतः विशेषतः पुलिस थाना घोषित किया गया। इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्मित विनिर्दिष्ट कोई स्थानीय क्षेत्र भी है। नेक्स्ट है दोना। इसमें विहित से संहिता के अधीन बनाए गए नियम विहित है। दो पा पे चलते हैं। दो पा इसमें लोक अभियोजक है। लोक अभियोजक की बात करना है। दो पा में से धारा 24 के अधीन नियुक्त अभिप्रेत है। आगे चलते हैं। दो फा में उपखंड सब डिवीजन की बात कर रहे हैं। उपखंड जैसे एक जिला होता है, ठीक है, एक जिला होता है और जिले को किसमें बांटा जाता है, जैसे माना कि डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट होता है, एक डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट में सब डिस्ट्रिक्ट होते हैं जिसको तहसील बोलते हैं। ठीक है, तो ये उसी की बात कर रहा है उपखंड की। ठीक है, ये उसी की बात कर रहा है। दो भा आगे चलते हैं। सम्मान मामला क्या है, ऐसे मामला अभिप्रेरित है। सम्मान मामले से ऐसा मामला अभिप्रेरित है। सम्मान मामले की बात हो रहा है किसमें, दो बा में। दो बा में सम्मान मामला है जो वारंट मामला नहीं है। ऐसे मामला अभिप्रेरित है जो वारंट मामला नहीं है। आगे चलते हैं। दो बा का में पीड़ित व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे उस कार्य लोप के कारण कोई हानि या क्षति हुई है जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति पर आरोप लगाया गया। पीड़ित पद के अंतर्गत उसका संरक्षक विधिक वारिस भी है और जिसको परेशानी हुई है, जो परेशान हुआ है, जिसके लिए वो न्यायालय में गया वो पीड़ित कहलाता है। ठीक है, दो भा आगे। दो भा से वारंट मामला अभिप्रेत है। वारंट मामला आगे उन शब्दों और पदों से जो इसकी प्रवृत्ति है। दो माँ तो ये परिभाषा सेक्शन 2 से रिलेटेड, परिभाषाओं से रिलेटेड जो है वो सेक्शन 2 है और सेक्शन 2 के सब सेक्शन है जैसे दो का इत्यादि। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ठीक है, आगे बात करेंगे। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, GS के लिए भी, सभी तरह के वीडियोस के लिए भी जो आपकी परीक्षा रही है।